प्रदेश भर में बड़े ही उत्साह के साथ भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना कर रही हैं, जिसकी एक झलक जिला कारागार में भी देखने को मिली, जहां बहनों ने जेल में बंद कैदियों का तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाई और उनसे अपराध की दुनिया छोड़ने का वचन दिया। बता दें कि गाजियाबाद जिला कारागार में बड़ी ही धूमधाम के साथ भैया दूज के पर्व को मनाने के लिए हजारों की तादाद में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए डासना जेल पहुंची, जहां उन्होंने जेल में बंद भाई कैदियों का तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाई। इस दौरान एक वो भावुक पल भी देखने को मिला, जब बहन और भाइयों की आंखों में आंसू आ गए थे। इस पर्व को लेकर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर जेल मंत्री और डीजी जेल के निर्देशन पर भैया दूज के पर्व को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी खुली मुलाकात कराकर मनाने का कार्य किया गया। बता दें कि मुलाकात के उपरांत आने वाली बहनों के लिए रोटरी क्लब और एनजीओ के सहयोग से पौष्टिक आहार भी वितरित किया गया। भाई से मिलने क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू क्या किससे मिलने आई थी? मैं अपने भाई से मिलने आई थी। भाई कितने दिन से बंद है आपका? भाई 10 महीने। तो अभी क्या चल रहा है और आज भैया दूज का पर्व है, भाई से मिलकर कैसा महसूस हुआ है? भाई से मिलकर तो क्या चाहेंगे कि भैया चाहेंगे भैया जल्दी से जल्दी बाहर आए, अपने बच्चों के पास आए। तो मतलब क्या लगा कि भाई ने क्या ऐसी बातें कही जो दिल को छू होंगी आपको? वहीं अगर बात करें नोएडा जिला कारागार की, तो यहां सुबह 8 बजे से ही भाई दूज के पावन पर्व के अवसर पर कारागार में निरुद्ध बंदियों के टीका और पूजन आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई। वहीं इस अवसर पर कारागार में सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण तैयारी करते हुए सतत निगरानी रखी गई और महिला मुलाकाती बहनों की किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा गया। उनके लिए चाय, बिस्किट, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा के मुकुल गोयल, विकास गर्ग, अंकित अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल के सौजन्य से कराई गई। आज जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में भैया दूज का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय कारागार मंत्री जी के दिए गए निर्देशन के अनुक्रम में और डीजी महोदय और प्रमुख सचिव महोदय के दिए गए निर्देशन के अनुक्रम में आज कारागार में भैया दूज की व्यवस्था पूरे जोरों शोर से की गई है। बाहर से आए हुए मुलाकातियों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, साथ ही रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा के तरफ से, मुकुल गोयल जी की तरफ से, जो मुलाकात पे आए हुए परिजन हैं उनके लिए बिस्किट की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है और पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही कुछ और भी संस्थान हैं जिससे हम लोगों द्वारा फल का वितरण कराया जा रहा है। अंदर भी बंदी के परिजनों को और बंदियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों द्वारा टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और चाय की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए हम लोगों द्वारा कमिश्नर मैडम से पुलिस गार्ड की मांग की गई थी, जिसके अनुक्रम में 45 पुलिस गार्ड भी लगे हुए हैं। और बता दें कि यह अवसर सभी कैदियों और उनके परिवारों के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि अक्सर जेल में रहकर इस तरह के पारिवारिक त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिलता। बहनों में जेल में बंद भाइयों से मुलाकात को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि कुछ बहनें इस उम्मीद के साथ जिला कारागार पहुंची कि भाई के साथ बिताई गई उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल और नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।